इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे आईफोन के अंदर कॉन्टैक्ट रिलेटेड सेटिंग्स के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट आपको किस तरीके से मिलते हैं, आईफोन के अंदर सेटिंग्स कैसे मिलती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कौन कौन सी सेटिंग्स किस किस काम में आती है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट दिखेंगे तो कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको सॉर्ट ऑर्डर्स, डिस्प्ले ऑर्डर्स और सॉर्ट नेम माय इन्फो, तो ये तो बेसिक सेटिंग्स है। अगर आप कॉन्टैक्ट को नेम से शुरू करना चाहते हैं, लास्ट नेम से शुरू करना चाहते हैं तो वो सेटिंग्स हैं। उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पर आपको इम्पोर्ट सिम कॉन्टैक्ट की सेटिंग्स मिल जाएगी, यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है यहाँ पर सीरीज एंड सर्च, ये वाली सेटिंग्स कॉन्टैक्ट की। यहाँ पर अलाउ ऑन स्क्रीन, तो ये तो कोई सेटिंग नहीं, लेकिन ये जो तीसरी वाली सेटिंग्स है ये मेन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर फाइंड कॉन्टैक्ट इन अदर एप्स, ये जो है अगर आप कोई एप्लीकेशन चलाते हैं, जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप ही चलाते हैं, व्हाट्सएप के अंदर अगर आपके कॉन्टैक्ट शो नहीं करते हैं तो इसी सेटिंग्स की वजह से आपके कॉन्टैक्ट शो नहीं कर पाते हैं। तो इस सेटिंग्स को आप ऑन करेंगे तो आपकी जितने भी कॉन्टैक्ट है वो सब शो होने लग जाएंगे। तो ये प्रोसेस है इसका, ये सेटिंग्स है इनकी, बाकी और किसी काम में नहीं है। यहाँ पर अलाउ ऑन लॉक स्क्रीन वगैरह सेटिंग्स है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट की अपीयर करती हैं लॉक स्क्रीन पर, और यहाँ पर सीरीज सजेशंस भी हैं। तो आप यहाँ पर ये सेटिंग्स होती है आईफोन के अंदर कॉन्टैक्ट। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट मैंने आपको सेटिंग्स बताई दिया, बाकी आप यहाँ पर आपको भी ये वाली सेटिंग्स की पता चल गई होगी। तो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।